हेलो गाइस, वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। बच्चों कैसे हो आप सब? प्रैक्टिस कर रहे हो ना केमिकल बॉन्डिंग की? आज हमारा पार्ट नंबर 13 है बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, उसका जो नाम है वो है हमारा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि ओवरलैपिंग कैसे की जाती है, कितने टाइप्स का होता है ओवरलैपिंग करना, ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं बच्चों आपको वन बाय वन सिखाऊंगा। ठीक है, इजी ट्रिक के अनुसार। पिछले जो पार्ट में मैंने 12th पार्ट में बच्चों काफ़ी चीज़ आपको एक्सप्लेन किया था, वो आप रिवाइज़ करते जाना। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो और उसका बेल आइकन दबाओ, शेयर करो बच्चों, वीडियो को लाइक करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्वेश्चन आता है कि ओवरलैपिंग क्या होती है, मतलब हम किस तरह ओवरलैपिंग कर सकते हैं किसी भी आइटम के द्वारा। ठीक है, जब दो वैलेंस बॉन्ड आपस में क्लोज आते हैं तो कैसे वो ओवरलैपिंग करता है वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ही अंदर आती है, ये हमारा ओवरलैपिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेता हूँ बच्चों मैं, मतलब मेरे पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एक मेरा आइटम है और उसका जो न्यूक्लियस बनता है बच्चों वो ऐसे कुछ आपको डिफाइन करते हो और उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ कुछ होता है। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 1s1 आता है, बिल्कुल आता है 1s1, हम इसका हाइड्रोजन का क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और जो ये s ऑर्बिटल है ये किस तरह की शेप होती है बच्चों, ये स्पेरिकल शेप होती है। ठीक है, कैसी होती है, स्पेरिकल शेप होती है। एस ऑर्बिटल कैसी शेप होती है, स्पेरिकल होती है। ठीक है, जब हाइड्रोजन जब एक दूसरे पर स्पेरिकल शेप वाला हाइड्रोजन के साथ कुछ इस तरह क्लोज आता है बच्चों तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या बताया मैंने बच्चों, जब एक दूसरा एस ऑर्बिटल वाला शेप मतलब स्पेरिकल शेप वाला हाइड्रोजन के साथ इस तरह क्लोज में आता है तो बच्चों वो क्या करता है, दोनों आपस में करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस करके ये एक इस तरह का ऑर्बिटल बन जाता है। एंड सेकंड हमारा जो ऑर्बिटल है वो इसके मर्ज कर जाता है, मतलब इस ऑर्बिटल के अंदर थोड़ा मर्ज कर जाता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? ओके, मर्ज मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब मिक्स होना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे, कि मर्जिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ टू डिफरेंट आइटम विच ईच अदर इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। क्लियर हुई बात आपको, समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा बच्चों आपको, उसार बच्चे हैं मेरे। ठीक है, कुछ नहीं है बच्चों, बिल्कुल आप इजी ट्रिक के अनुसार है ये ओवरलैपिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, मतलब कोई भी दो आइटम आपस में क्लोज आते हैं तो वो किस तरह ओवरलैपिंग किया जाता है। ठीक है, सेकंड बात मेरी ध्यान रखना, अब इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन बच्चों इन दोनों के बीच में मर्ज कर जाएंगे। ठीक है, एक बात और, ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए बच्चों, वो वैलेंस बॉन्ड जैसा होना चाहिए ऑर्बिटल। हम किसके ऑर्बिटल के लिए कर रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड के ऑर्बिटल के जैसे इस एग्जांपल को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग करने के बाद क्या बनेगा, हमारा कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा H2। ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया और ये वाला हाइड्रोजन इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या बन गया, हमारा कोवलेंट बॉन्ड बन गया।
ठीक है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ भी अटैच होगा, इसके साथ भी शेयरिंग करेगा, ये बोलेगा मैं भी इसके साथ शेयरिंग करूँगा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा ये भी मेरा है, ठीक है, और ये भी मेरा है, मतलब ये आपस में शेयरिंग करने के लिए कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ये वाला बॉन्ड, ऐसे एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये आपस में शेयरिंग करने के लिए ऐसे क्या बना लेते हैं, ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद H2 आ गया, मतलब दो हाइड्रोजन है तो क्या फॉर्मूला बन गया, H2। बच्चों ओवरलैपिंग काफ़ी टाइप की होती हैं, ये तो बस आपको बेसिक समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ये तो केवल नॉर्मली इंट्रोडक्शन है बच्चों, आगे हम चलेंगे आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं इजी ट्रिक के अनुसार, इतना आप नोट करो, ठीक है नाउ बच्चों समझ में आया, आगे चलें, ओके ठीक है। जब बच्चों दो वैलेंस बॉन्ड जो होते हैं वो आपस में क्लोज आने के बाद क्या कर जाते हैं, मर्जिंग का काम करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ओवरलैपिंग करना स्टार्ट करते हैं। जब ये ओवरलैपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों वहाँ तीन ओवरलैपिंग आपको दिखाई देंगी, आपको निकालनी पड़ेंगी वो तीन ओवरलैपिंग की कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो वो तीन ओवरलैपिंग मतलब फर्स्ट जो हमारी ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी बच्चों हमारी पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है, सेकंड है हमारी नेगेटिव ओवरलैपिंग, एंड थर्ड है बच्चों हमारी ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। ये तीन ओवरलैपिंग आपको निकालनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, एंड जीरो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। जब आप ओवरलैपिंग करोगे तो वहाँ आपको ये तीन कंडीशंस को अलो करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग का ओवरऑल डेफिनेशंस क्या बनती है, मतलब किस तरह की ओवरलैपिंग आएगी वहाँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल, मतलब ओवरलैपिंग कैसी दिखाई देंगी आपको, डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का नेचर कैसा होना चाहिए बच्चों, डायरेक्शनल, डायरेक्शनल मतलब ओवरलैपिंग करने के लिए उसकी जो मॉलिक्यूल की जो शेप होती है बच्चों वो प्रॉपर होनी चाहिए। जब तक वो प्रॉपर अपनी कंडीशंस में नहीं जाएगी तब आप ओवरलैपिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, मतलब ओवरलैपिंग करने के लिए उस ऑर्बिटल का नेचर कैसा होना चाहिए बच्चों, डायरेक्शनल जैसा होना चाहिए, दैट इज़ क्लियर, ओके। नेक्स्ट है हमारा बच्चों की पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, बच्चों आता है हमारा पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है, ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, मतलब प्रोमेट द मॉलिक्यूल फॉर्मेशंस, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल होगा ना वो हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग बनाएगा, ठीक है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग कैसे बनती है, कौन से ऑर्बिटल में आता है, वो बच्चों एस ऑर्बिटल के अंदर आता है, क्या आता है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग करना, किसके ऑर्बिटल के अंदर, एस ऑर्बिटल के, मतलब ठीक है ये एक मेरे पास एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और दूसरा भी बच्चों मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, दोनों ने क्या कर लिया, मर्जिंग कर ली, ओवरलैपिंग कर ली, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल इज ए स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल कैसा होता है बच्चों, स्फेरिकल जैसा होता है, मतलब एक गोल आकार का होता है, ठीक है, उसकी आप कहीं से भी देखो, मतलब एक फुटबॉल है, ठीक है, आप चाहे इस डायरेक्शन से देख लो तो भी वो फुटबॉल एक जैसी दिखाई देगी आपको, ठीक है, आप चाहे इस वाली डायरेक्शन से देख लो, ठीक है, तब भी आपकी जो बॉल की जो शेप है वो उस तरह ही दिखाई देगी, ठीक है, मतलब आप एस ऑर्बिटल एक ऐसा ऑर्बिटल होता है बच्चों, ठीक है, वो एक गेंद के आकार के तरह होता है, गोल अंडा,
चाहे आप इस डायरेक्शन से देखो चाहे उस डायरेक्शन देखो वो आपको सेम ही नज़र आएगी, ठीक है। एंड कैन डू ओवरलैपिंग फ्रॉम एनी डायरेक्शंस, मतलब किसी भी डायरेक्शन से आप उसके साथ ओवरलैपिंग कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? ओके। एस ऑर्बिटल क्या होगा? एस एस ओवरलैपिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल बच्चों कैसा ओवरलैपिंग देगा, कैसा ऑर्बिटल देगा, वो बच्चों आपको देगा हमेशा पॉजिटिव ओवरलैपिंग करके देगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? मतलब ये कहना क्या चाहता है कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा ऑर्बिटल चाहे आप ईस्ट डायरेक्शन से देखो, वेस्ट डायरेक्शन से देखो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से देखो आपको वो ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग मतलब प्रोमेट द मोलिक्यूल ऑफ मोर फॉर्मेशंस का मतलब क्या होता है, ये एक आइटम है और दूसरा एक आइटम है, ठीक है। आप दोनों को ये आइटम दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, ठीक है। क्या ये इनकी डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल सेम है। शेप सेम है? बिल्कुल सेम है। आप क्या, आपका मन क्या कर रहा है? इनके पास क्लोज आने का मन कर रहा है। क्लोज आएगा तो क्या होगा बच्चों? ओवरलैपिंग होने लग जाएगी। तो वो ओवरलैपिंग कैसी हो जाएगी हमारी? पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ बच्चों, आपको समझ में आया पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमारी हेडिंग है डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल, मतलब उस पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ऑर्बिटल्स थे ओवरलैपिंग करने के बाद उन्हें हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में तो बच्चों कोई गड़बड़ नहीं होती है, ये तो केवल एक स्फेरिकल शेप जैसा होता है, मतलब आप कहीं भी कौन सी भी डायरेक्शन से देखो तो उसका जो शेप होती है वो एक जैसी ही नज़र आएगी, ठीक है। वो क्या, कौन सी ऑर्बिटल होता है? वो एस एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों पी ऑर्बिटल की, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है बच्चों पी ऑर्बिटल, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है पी ऑर्बिटल। तो हेडिंग डाल लो बच्चों आप डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है। डायरेक्शनल में हमें ये देखना पड़ेगा पी ऑर्बिटल के अंदर बच्चों आपको तीन एक्सिस का सामना करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। पहले से ये मैंने बना दिया है, ये तो है बच्चों हमारी एक्स एक्सिस जो एक्स डायरेक्शंस पे काम करेगा, ये वाली जो बच्चों हमारी वाई एक्सिस जो एक्स वाई एक्सिस पर काम करेगा, और ये वाली है बच्चों हमारी जेड एक्सिस, मतलब ये जेड एक्सिस पर काम करेगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? आप बच्चों जो जेड एक्सिस है ना वो आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाली जो डायरेक्शन है ना ये बोर्ड के पीछे वाली डायरेक्शन होती है और ये वाली आगे की डायरेक्शन होती है। मैं आपको बना के दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसका हम पी ऑर्बिटल बनाएं, ठीक है। पी ऑर्बिटल के अंदर बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना कि पी ऑर्बिटल के अंदर हमेशा दो लोब बनाई जाती हैं। कितनी लोब बनाई जाती हैं बच्चों? दो लोब बनाई जाती हैं। कैसे बनाती हैं, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। पी ऑर्बिटल हम कैसे बनाते हैं? एस एक्सिस ऐसा बनता है हमारा, ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे पी एक्सिस, सॉरी इसको हम देंगे वाई एक्सिस। पहले मैं पी वाई वाई एक्सिस का बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया पी वाई डायरेक्शन, मतलब पी वाई एक्स एक्सिस पर डिफाइन करेगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस बच्चों हमारी ये वाली होती है, ठीक है, मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन होनी चाहिए, ओनली ओनली एक्स एक्सिस डायरेक्शन, इसका नाम है हमारा पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। अब आ गई हमारी जेड एक्सिस, एक लोब होता है बच्चों हमारा भीतर की तरफ और एक लोब होता है हमारा उसके बाहर की तरफ, ठीक है, कुछ इस तरह बनाया जाता है हमारा पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है। अब बच्चों आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम क्यों पढ़ते हैं, किसके द्वारा पढ़ते हैं? हम वेव मैकेनिक्स के द्वारा पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड में स्ट्रक्चर ऑफ आइटम के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ऑर्बिटल होता है वो हम कौन सी क्वांटिटी में पढ़ते हैं? वेव मैकेनिक्स की क्वांटिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ एक बच्चों एक मैथमेटिकल के द्वारा पी ऑर्बिटल को डिफाइन किया गया था कि
यहाँ हमारा पॉजिटिव आना चाहिए और यहाँ हमारा नेगेटिव आना चाहिए। ये कोई बच्चों मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं होती है, ये केवल ना ही ये फिजिकल कोई इक्वेशंस होती है, ये तो बस एक डिफाइन किया गया है, ठीक है। ना ही पॉजिटिव और नेगेटिव, डू नॉट सो चार्ज, मतलब ये कोई भी चार्ज सो नहीं करती, ठीक है। ये दीज आर कॉल्ड फेजेस, ये किसको डिफाइन करती है, फेस को डिफाइन करती है, ठीक है। यहाँ हमारा पॉजिटिव आ जाए, यहाँ हमारा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। आप बच्चों चार्ज लगा है ये मत सोचना, ये केवल फेजेस को डिफाइन करता है, ठीक है। ये कैसी फेज हो गई, ये पॉजिटिव फेज हो गई, ठीक है। और ये हमारी कैसी, ये नेगेटिव फेज को डिफाइन करता है ना, ओके समझ में आया। ये हमारा पॉजिटिव फेस को डिफाइन करता है और ये हमारी नेगेटिव फेस को डिफाइन करता है। इतना क्लियर हुआ आपको, ओके ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हमारे पास एक पी ऑर्बिटल ले लिया मैंने और उसके अंदर भी एक पी ऑर्बिटल ऐड हो जाए, तब आप क्या करोगे। वो ऑर्बिटल ऐड होने की वजह से बच्चों वो कौन सा ऑर्बिटल कहलाएगा, पॉजिटिव ओवरलैप कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, देखो ये बच्चों मेरे पास कोई एक पी ऑर्बिटल है, मुझे नहीं पता ये पी एक्स ऑर्बिटल होगा या पी वाई ऑर्बिटल होगा या पी जेड ऑर्बिटल होगा, मेरे को नहीं पता, ठीक है। यहाँ हमारा नेगेटिव, यहाँ हमारा पॉजिटिव, ठीक है। बाहर से एक और ऑर्बिटल आया, वो इसके हेड ऑन सिर टकरा गया, मतलब दोनों आपस में टकरा गए, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, मतलब ये कैसा ऑर्बिटल हो गया, ये एस एस जैसा ऑर्बिटल हो गया, मतलब पॉजिटिव ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। तो देन बोथ द पॉजिटिव लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल इज ए ओवरलैपिंग, इस ऑर्बिटल को बच्चों हम पी ऑर्बिटल भी हमारा ओवरलैपिंग कहलाएगा। अगर ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड का फॉर्मेशन जरूर होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ बच्चों, दो पॉइंट मैंने आपको बहुत इजी ट्रिक के अनुसार क्लियर करा दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ बच्चों, दो हमने ओवरलैपिंग करना सीख लिया है, हेड ऑन वाली मतलब दोनों आपस में सिर टकराने वाली। थर्ड है हमारी बच्चों, एक मेरे पास कोई पी ऑर्बिटल है और एक मेरे पास उसके साथ क्या आ जाए, बाहर से एस ऑर्बिटल आ जाए, ठीक है। तो इस वाले ऑर्बिटल को भी हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे कि देन पॉजिटिव लोब्स ऑफ पी ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद द एस ऑर्बिटल इज ए पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है, ओके। थर्ड फोर्थ हमारी ओवरलैपिंग क्या कहलाती है, एक मेरे पास बच्चों एक्स एक्सिस है मतलब पी एक्स ऑर्बिटल है और उसी के साथ बच्चों अटैच हो जाए हमारे साथ कुछ इस तरह से एक नया ऑर्बिटल, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें से खासियत क्या है बच्चों, ये दोनों आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव टकरा रही है, ठीक है, या नीचे भी नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग कर रही है, ठीक है। तो इस वाले ऑर्बिटल को हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग कह सकते हैं। कैसे कहेंगे कि व्हेन पॉजिटिव लोब ऑफ पी ऑर्बिटल ओवरलैप्स साइड वे विच ओवरलैपिंग इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। इस वाली ऑर्बिटल्स को, इस वाली ओवरलैपिंग को हम क्या नाम देंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग का नाम देंगे, ठीक है। अब मैं, ये मेरे चार पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग के, एक पॉइंट बताना चाहता हूँ बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम बॉन्ड का फॉर्मेशंस करेंगे उसको हम प्रोमेट कैसे करेंगे, मेरे को बताओ बच्चों। उसको प्रोमेट करने के लिए ना, इस लोब्स के अंदर बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए और सेकेंड वाली ऑर्बिटल के अंदर बच्चों एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होना चाहिए, तब जाके हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं एक लाइन लिखवा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ऑफ द आइटम विच आर द ओवरलैपिंग मस्ट हैव द अपोजिट साइन, मतलब कोई भी बॉन्ड का जब हम फॉर्मेशंस करेंगे या प्रोमेट करेंगे उस बॉन्ड को, तो उसका जो स्पिन होगा बच्चों वो अपोजिट साइन में होना चाहिए, ठीक है। अगर हम दोनों डायरेक्शन सेम कर देंगे क्लॉकवाइज, तब हमारा बॉन्ड जो होगा वो मतलब प्रोमेट नहीं होगा। प्रोमेट कब होगा, जब दोनों ऑर्बिटल के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम सीखेंगे नेगेटिव
ऑर्बिटल्स क्या होता है। हाँ बच्चों, मेरा है नेक्स्ट पॉइंट नेगेटिव ओवरलैपिंग। बच्चों नेगेटिव ओवरलैपिंग में कोई भी बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हम जब प्रोमोट करते हैं वो नेगेटिव ओवरलैपिंग में प्रोमोट नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता, देखो ये मेरे पास कोई एक पी ऑर्बिटल है पॉजिटिव नेगेटिव, बाहर से कोई एस ऑर्बिटल आ जाए, क्या ये ओवरलैपिंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यहाँ तो नेगेटिव है और एस ऑर्बिटल हमारा पॉजिटिव ऑर्बिटल होता है ना, ठीक है। सेकंड हमारा, ये मेरे पास कोई पी ऑर्बिटल है, बाहर से भी कोई पी ऑर्बिटल आ गया, बट उसके जो साइन है वो अलग अलग है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो होने की मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, मतलब दोनों कट हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ भी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। थर्ड हमारे पास है, ये भी मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरा भी उसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ उसकी डायरेक्शंस क्या होगी, चेंज हो जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब कोई भी ऑर्बिटल नहीं बनेगा, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं की जाएगी। नेगेटिव ओवरलैपिंग में बच्चों कोई भी बॉन्ड प्रोमेट नहीं किया जा सकता। थर्ड हमारा है बच्चों जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब बच्चों कोई भी ओवरलैपिंग न करना, ना ही नो बॉन्ड नो मॉलिक्यूल विल बी फॉर्मेट, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्मेट नहीं किया जा सकता जीरो ओवरलैपिंग के अंदर, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, लंबी हो चुकी है वीडियो, आगे हम नया टॉपिक लेके आएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।